Hey everyone, welcome back to my channel RBS Wizard. कैसे हो आप सब लोग? आई नो आप लोगों के दिमाग में भी काफ़ी टेंशन चल रही होगी, खासकर 10th RBSC वालों के दिमाग में. सब बोर्ड्स ने क्लियर कर दिया अपना 10th का, बट हमारा बोर्ड तो भाई हमें बता ही नहीं रहा है हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे या होंगे. जो भी है, अगर गवर्नमेंट को एग्ज़ाम्स लेने हैं तो वो आपको बता दे कि भाई हम एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं एंड ये डेट होगी, और उसको नहीं लेने तो वो भी आपको क्लियर कर दे. आई नो आप काफ़ी अभी डिप्रेशन से गुजर रहे होगे, काफ़ी आपको बुरा लग रहा होगा कि यार हमारा बॉडी ऐसा क्यों है. हाँ, काफ़ी मेंटली प्रेशर होगा आप लोगों के ऊपर, आपको लग रहा होगा कि यार क्या हो रहा है हमारे साथ, पढ़ने का मन नहीं करता है, लाइक एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, बस यही चीज़ दिमाग में घूमती रहती है. कभी हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं लेट RBSC एग्ज़ाम्स बोर्ड कैंसिल लेटेस्ट न्यूज़ टुडे, कुछ भी मतलब सर्च कर रहे हैं, गूगल पर सर्च कर रहे हैं RBSC लेटेस्ट न्यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है. देखो जो होगा वो गवर्नमेंट के हाथ में, 1 तारीख तक वेट करते हैं अभी क्या होता है. ओके, मैं आप लोगों के पूरे सपोर्ट में हूँ. लाइक CBSE ने कैंसिल कर दिए तो RBSC को भी ज़रूर कैंसिल करने चाहिए, समझ रहे हो? ठीक है, मेरे को भी यही लगता है कि RBSC भी प्लीज़, मैं तो यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ बच्चों के बोर्ड्स कैंसिल कर दो. देखो 10th के तो कर ही दो सीरियसली, 12th के ना करो एक बार, पर 10th के तो मान के चलो कि भाई कैंसिल कर दो, ताकि 10th वाले बच्चों को क्लियर हो जाए. अगर 10th बोर्ड्स लेने भी हैं उन्हें, तो बच्चों को बता दीजिए कि आपको बोर्ड्स लेने हैं. ओके, सो कैसे हो आप सब लोग? बाकी तो अब क्या करना है ना, देखो यार अब प्रेशर थोड़ा सा देख लो, एडजस्ट करने की कोशिश करो. अब क्या है, अब तक तो यही न्यूज़ है, अब तक तो यही मान के चलो आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं. ओके, और अगर एग्ज़ाम्स हो गए तो लॉस आपका है. अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो तो ये गोल्डन चांस नहीं मिलेगा आपको. जब आपके बोर्ड्स आने वाले थे तब हम सब लोग ये सोच रहे थे काश एक महीना और मिल जाता यार तो मैं आग लगा देता. एक महीना मिल चुका है आपको, सो वाई आर यू वेस्टिंग दिस टाइम? ओके, तो इस टाइम को वेस्ट क्यों कर रहे हो? इस टाइम को यूटिलाइज करो ना. वो जो आग आ रही थी ना, जब बोर्ड पेपर में केवल सिर्फ 15 दिन बाकी थे, लग रहा था यार कि कुछ तो करना है यार, थोड़ा सा टाइम और मिल जाता ना तो मज़ा आ जाता, तो वो मज़ा अब हम इस एक महीने के अंदर निकालेंगे यार. हो सकता है आप साल के शुरू में ना पढ़े हों, साल के शुरू से ना पढ़ रहे हों, बट यार एक बात मैं मानती हूँ, जो बच्चा लास्ट में पढ़ लेता है ना वो सच में एग्ज़ाम में आग लगा देता है, समझ रहे हो? जो बच्चा लास्ट में पढ़ लेता है वो एग्ज़ाम में आग लगा देता है. अपन देखते हैं ना कई सारे अपने क्लासमेट्स होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कुछ बच्चे साल भर पढ़ते हैं दौड़ लगा के, और कुछ बच्चे लास्ट में एकदम पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं. तो अपने पास अब वो टाइम तो नहीं रहा कि हम भाई साल के शुरू में पढ़ रहे हैं आराम से, धीरे धीरे रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके हमने हमारा मटका भर लिया है. नहीं, बट अब आपके पास लास्ट में ये टाइम है कि आपके पास एक महीना, और इस एक महीने के अंदर वो प्रोडक्टिविटी निकालनी है जो बच्चे पूरे साल भर से करते हुए आ रहे हैं. तो यार मैं तुम्हें वही गाइडेंस दूंगी, तुम सब लोग मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो, मैं अपने छोटे भाई बहनों को जो गाइड करूँगी वही मैं तुम्हें गाइड करूँगी. मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बहन मानती हूँ, तुम भी मुझे अपनी बड़ी दीदी मानो. और कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर विद मी, मेरे साथ शेयर करो. कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, मुझसे बात करो. तुम्हें डर लग रहा है, आई विल मेंटर यू, मैं तुम्हें मोटिवेशन दूंगी, मैं तुमसे बात करूंगी, मैं तुम्हें एक डायरेक्शन दूंगी कि बेटा इस डायरेक्शन में पढ़ो, समझ रहे हो? तो अपनी बड़ी बहन मान के मेरी बातों को मानना और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करना, समझे? एक बात बताओ, तुमने वो सीरीज़ देखी कि नहीं देखी यार, UPSC मोटिवेशन वाली, आजकल चल रही है ना UPSC एस्पिरेंट, चल नहीं रही है मतलब काफ़ी टाइम, थोड़ा टाइम तो हो गया उसको, बट अच्छी सीरीज़ है काफ़ी, देखना यार ज़रूर. ठीक है, यूट्यूब पर जाना, सर्च करना UPSC एस्पिरेंट. मैं कोई उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि दीदी प्रमोशन कर रही है उसका, ऐसा कुछ नहीं. मुझे वो सीरीज़ अच्छी लगी दिल से, तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ. ठीक है, तो वो सीरीज़ देखना. अगर तुम्हें लगता है कि लास्ट टाइम पर नहीं हो सकता तो प्लीज़ उसको देखना एक बार यार. ठीक है, थोड़ी सी लंबी है, शायद 5 एपिसोड होंगे उसके, देखना थोड़ा थोड़ा करके देखना. ऐसा नहीं अब तुम सीरीज़ देखने लग गए, दीदी ने कहा है भाई सीरीज़ देखनी है, ऐसा नहीं. तुम जब पढ़ोगे, जब तुम्हें बीच में ब्रेक चाहिए होगा ना थोड़ा थोड़ा, तो उस ब्रेक के अंदर देखना. ऐसा नहीं तुम लेके बैठ गए यार भाई episode number 1 बहुत पसंद आया, चलो episode number 2 भी देखते हैं, 2 भी बहुत पसंद आया, 3 भी देखते हैं, भाई आंखें खराब हो जाएंगी, इतना फ़ोन यूज़ नहीं करना है. ओके, सो और एक और बात, उसमें एक डायलॉग था, क्या था वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ. कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. तो कौन कहता है कि लास्ट टाइम में पढ़ के 95% नहीं बन सकते हैं, कौन कहता है 95% नहीं बन सकते हैं लास्ट टाइम में पढ़ के. एक अंदर से बूस्ट तो लाओ यार, अंदर से एक डेडिकेशन लाओ, एक कंसिस्टेंसी लाओ, समझ रहे हो? एक डेडिकेशन, आग लाओ अपने अंदर कि भाई हाँ मैं करूँगा. अगर RBSC बोर्ड वाले ले रहे हैं हमारा एग्ज़ाम, तो हाँ मैं इनको सबक सिखाऊंगा,
मैं अच्छे मार्क्स ला के दिखाऊंगा, समझ रहे हो, या मैं ला के दिखाऊंगी लड़कों के साथ। अगर देखो जो मैं तुम्हें शेड्यूल बताने वाली हूँ बिल्कुल इसी हिसाब से पढ़ना, ओके। जो टाइम मैं तुम्हें बताऊँ कि भाई बेटा इस टाइम पे पढ़ो, ये टाइम बेस्ट रहता है, अगर आपको कोई और टाइम सही लगे तो आप उस टाइम पे पढ़ो, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग टाइम पे काम करता है, ठीक है। तो जो लड़के हैं वो अपने मम्मी पापा को बता देना कि भाई मैं इस टाइम पे पढ़ने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे कोई और काम मत बताना, ना मुझे ये कहना कि तू बाज़ार से ये लेके आ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ इस कोरोना में, और ना आप जाओ, आराम से घर पे रहो। और कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनकी मम्मियाँ उनसे काम कराती है, होती हैं कि नहीं होती हैं, होती हैं, ज़रूर होती हैं। तो उनको क्या कहना है, अब वो कहेंगे ना यार कुछ तो सीख ले, ससुराल में जाके क्या करेगी। तो बस यूँ कह देना है कि मम्मी अगर अच्छी जॉब लगी तो मैं नौकर रख लूँगी, बट प्लीज़ अभी मुझे पढ़ने दो, ओके। सो मेरे पास अभी अपनी मम्मी पापा को समझाओ को मम्मी पापा एक महीना है, मुझे पढ़ लें दो यार थोड़ा, ठीक है। घर में छोटा भाई मेरे टीवी चलाता है तो बोल दो मम्मी को, यार मम्मी को समझाओ, उनको बोलो मम्मी इसको बोल दो ना यार प्लीज़ टीवी बंद कर देगा, मैं डिस्टर्ब होता हूँ पढ़ते टाइम, ठीक है। तो प्यार से हैंडल करो हर चीज़, एक बार प्यार से हैंडल करके देखो, तुम्हें एक अलग डिफरेंस महसूस होगा, समझ रहे हो, फील आ रही है अंदर, ओके। सो सबके साथ ये सब होता है यार, तो मैं भी एक टाइम पे तुम्हारी जगह थी, मुझे भी काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शंस थी, फ़ोन है भाई, फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन है यार। अभी कम से कम हम स्कूल्स तो जा रहे थे तो भाई कम से कम फ़ोन एक साइड में पड़ा हुआ था, बट अभी फ़ोन लेके बस लग जाते हैं, रील्स देखते हैं, रदर देन वॉचिंग रील्स वॉच दैट सीरीज, ओके। जो मैंने सीरीज तुम्हें बताई है वो सीरीज़ देखो, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, और भाई अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले, और वीडियो ज़रूर पसंद आए तो लाइक करके जाना। एंड हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक कर लेना एक बार वीडियो एंड करने से पहले, ओके। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक रहते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, तो मुझे ज्वाइन करो, तुम्हें कोई भी डाउट हो मुझसे बात करो, अगर तुम्हारा स्कूल टीचर तुम्हें जवाब नहीं देता है तो मुझसे बात करो, कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो यार, मैं मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, मेरे साथ तुम शेयर कर सकते हो, क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हम भाई हमारा क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे, और कैसे एक दिन जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन 95% लेके आएंगे। एंड डोंट फॉरगेट दैट मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस करो, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। सो देखो अभी जो हमारा मई जो है, मई का जो महीना है मई, ये अभी निकला नहीं है, समझ रहे हो, ये अभी निकला नहीं है, तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है कि तुम पढ़ के कुछ कर सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो। तो क्या अचीव करना है सुनो, देखो जो मई है इसमें अभी देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो अभी तुम्हारे पास 6 दिन बाकी हैं, अभी भी तुम्हारे पास 6 दिन बाकी हैं, तो इन 6 दिन को देखो यार, अब इनको देखो, जून देखो, जून में कितना टाइम बाकी है, 1, 2, 3, 4, मतलब जून में भी 30 दिन बाकी हैं तुम्हारे अभी भी। तो जून के 30 दिन, मई के 6 दिन, 36 दिन, और भाई 30 दिन के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है ना, काफ़ी सारा तुम्हारा सिलेबस मैंने देखा, इजी चैप्टर्स प्लस उनके मार्क्स वेटेज ज़्यादा हो, उन सबको मैंने इकट्ठा करके एक साइड रखा है, मतलब तुम्हारे अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि कम टाइम में कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कम है तो अब हमें कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करना नहीं है, अब हमें कम टाइम में वो सिलेबस कवर करना है जो ज़्यादा मार्क्स का है, ताकि वो ज़्यादा मार्क्स तो हमारे अंदर आए अभी पहले, उसके बाद हम थोड़ा डिफिकल्ट पे जाएंगे और थोड़ा सा मार्क्स वाइज देखेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। अब तुम्हें क्या करना है, 2 व्हाइट शीट लो, व्हाइट शीट पे अपना खुद का कैलेंडर बनाओ, भाई हमें दुनिया के कैलेंडर से नहीं मतलब है, हमें हमारे कैलेंडर से मतलब है, समझ रहे हो मेरी बात। देखो क्या करना है, तुम्हें एक पेज लो, उसमें मई का कैलेंडर बनाओ, बनाओ बॉक्स बॉक्स बॉक्स, ओके। बॉक्स में क्या लिखोगे, डेट लिखो, डे लिखो, डे लिखो मत लिखो, हमारा तो कैलेंडर दुनिया से अलग चलने वाला है, हमें नहीं पता है कि भाई कौन सा कैलेंडर चल रहा है, कौन सा हफ्ता चल रहा है, हमारा हफ्ता अलग, हमारा कैलेंडर अलग, क्लियर हुई आपको ये बात। चलो देखते हैं, मई का कैलेंडर अलग बना लोगे, जून का कैलेंडर अलग बना लोगे, बना लिया, अब इस कैलेंडर से होगा क्या, इससे आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि भाई तेरे पास 36 दिन है, तेरा 1 दिन निकल चुका है भाई दौड़ लगा, तेरा 2 दिन निकल चुके हैं भाई दौड़ लगा, समझ रहे हो, इस तरह मोटिवेशन आ रहा है, एक अंदर फीलिंग आ रही है यार कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। देखो मैं बताती हूँ, अगर देखो तुम आज का तुम्हारा दिन निकल गया, मान लो तुमने नहीं पढ़ा कुछ भी, क्रॉस लगाओ कि भाई 1 दिन निकल गया यार, 35 दिन बचे हैं, अब 35 दिन में मुझे दौड़ लगानी है, नेक्स्ट डे निकला क्रॉस लगा दो कि 27 भी निकल गया है, समझ रहे हो मेरी बात, फील आ रही है कैसे पढ़ना है, चाहे हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, वीडियो पूरी देखो और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, उनको भी हेल्प मिले, ओके।
देखो यार, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, समझ रहे हो? कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी को खुद से कम मत समझना, समझ रहे हो? कुछ ये मैंने अपने खुद की लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, ज़्यादा एज तो नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें। कभी किसी को खुद से कम मत समझो और कभी किसी का बुरा मत सोचो, समझ रहे हो? अंदर से एक जलन होती है ना, याद है, जलन होती है, वो जलन कभी कभी हमें इतनी अंदर से चुभती है, वो यहाँ नहीं चुभती, वो यहाँ यहाँ एक खड्डा सा होता है, फील करा है कभी? यहाँ एक खड्डा होने लग जाता है, मतलब लगता है कि कोई ड्रिलिंग मशीन से छेद कर रहा है हमारे यहाँ दिल में, नहीं यहाँ बीच में, लगता है, फील हुआ है कभी कि यार यहाँ पर खड्डा सा हो रहा है, मतलब कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है अंदर, यार मन नहीं लग रहा है, कभी टेंशन हो जाती है किसी चीज़ की तो कहाँ दर्द होता है, यहाँ दिल में दर्द नहीं होता है कभी भी, कोई दिल तोड़ के चल जाता तब भी यहाँ दर्द नहीं होता, दर्द यहीं होता है, पता नहीं, फील करना कभी, यहाँ एक खड्डा सा मतलब लाइक होता है कि यार कोई अंदर, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे, बट मतलब कोई मुक्के मार रहा है या खड्डा हो रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर यहीं फील होता है, वो यहाँ दर्द होता है, गौर करना कभी, ओके? सो देखो, अब क्या करना है, अब मैंने तुम्हारे 7 days का प्लान बनाया है, तो हमें दुनिया के कैलेंडर से कोई मतलब नहीं है, हमारा 7 days, हमारा एक वीक, हमें नहीं मतलब कि कौन सा वीक चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, हमारा वीक दुनिया से अलग चलेगा, हमारा हफ्ता दुनिया से अलग चलेगा। क्या करना है अब तुम्हें, 26 मई से 26 मई से 1 जून तक साइंस में तुम्हें यूनिट नंबर 2 खत्म करनी है, यूनिट नंबर 3 खत्म करनी है, समझ रहे हो? मैं तुम्हें बता देती हूँ यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 कौन सी तुम्हारी, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो याद ही होगी यूनिट नंबर 2 कौन सी तुम्हारी, यूनिट नंबर 3 कौन सी तुम्हारी, इतना तो पता ही होगा, चाहे साल भर पढ़े हो या ना पढ़े हो, इतना तो पता ही रहता है, ठीक है? तो साइंस वालों को, विज्ञान वालों को यूनिट नंबर 2 करनी है और यूनिट नंबर 3 करनी है, समझ गए मेरी बात? मैथ्स वालों को यूनिट नंबर 7 करनी है और यूनिट नंबर 8 करनी है। अब मेरी बात सुनो, इंग्लिश हिंदी को हम पढ़ेंगे लास्ट में, उसमें तो हम थोड़ा सा हल्की सी भी इनपुट डालेंगे ना, आउटपुट भर भर के निकलेगा, तो हमें मेन मेहनत करनी है विज्ञान, साइंस, मैथ्स, गणित, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान पे, क्लियर? चलो, तो सोशल मैथ्स का, साइंस का मैंने बता दिया तुम्हें, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 करनी है, मैथ्स में यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 करनी है, एंड सोशल साइंस में अब देखो तुम जानते हो क्या क्या है तुम्हारे पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, क्या क्या है देखो, भूगोल, इतिहास और क्या है ये, राजनीतिक विज्ञान और ये अर्थशास्त्र, चार चीज़ें हैं। इनमें से जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है कि भाई मुझे तो भूगोल सबसे अच्छी लगती है, तो सबसे पहले भूगोल पढ़ो, ये जो 7 दिन है इसके अंदर कंप्लीट करो भूगोल पूरी। अब पढ़ना कैसे, अब भूगोल में चीज़ें होती है जो हम भूल जाते हैं बार बार, क्या करो, भूगोल पढ़ते टाइम ईयरफोन डालो कान में, फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करो और ख़ुद को पढ़ाओ कि भाई ये पृथ्वी पर जो जो भी है, वट एवर, ठीक है, जो भी है, अपने अंदर रिकॉर्डिंग करो, फ़ोन में रिकॉर्डिंग करो, और जो तुम गाने सुनते हो ना, ब्राउन मुंडे, फीलिंग, तो इसकी बजाय उस रिकॉर्डिंग को सुनना यार, काम आएगी, ठीक है? रिकॉर्डिंग जैसे हम गाने सुनते हैं, हमें गाने याद हो जाते हैं, इसी तरीके से तुम्हें सारे जो ये है ना चैप्टर्स, थ्योरिटिकल चैप्टर्स जो होते हैं, ये भी तुम्हें याद हो जाएंगे। तो तुम्हारे घर वालों ने जो तुम्हें फ़ोन दिला रखा है ना, इसके कुछ यूजेस सीखो, सारे यूजेस बताती हूँ फ़ोन के, एकदम तरीके वाले, आगे बढ़ते हैं, पहले मैं धीरे धीरे तुम्हें पढ़ाती भी जाती हूँ, ओके? समझ में आ गया तुम्हें 26 मई से 1 जून तक क्या करना है, साइंस में यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 करो, मैथ्स में यूनिट 7 यूनिट 8 करो, और सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में वो पढ़ो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसे मेरा एक भी नंबर नहीं कटे, तो मैं उसको पहले ही पढ़ के रख लेता हूँ भाई कि भाई मेरी भूगोल हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या प्लान है, आगे के 7 दिन, अब हमारा दूसरा हफ्ता शुरू होगा 2 जून से 8 जून तक, ठीक है? अब देखो, विज्ञान में तुम्हें कंप्लीट करना है यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। मैथ्स में कंप्लीट करनी है तुम्हें यूनिट नंबर 1, 5, 9, यूनिट नंबर 1, 5, 9 कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे दिन में 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, आई डोंट केयर, तुम्हें कंप्लीट करना है अगर तुम्हें वो टारगेट चाहिए तो। टारगेट सपना बड़ा सोचा है ना, तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, ओके? सो देखो, एंड तुम्हें सोशल साइंस में क्या करना है, सोशल साइंस में अब तुम्हें वो चीज़ देनी जो तुम्हें सेकंड नंबर पे पसंद है, जो तुम्हें सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पसंद है वो लो, इतिहास पसंद है इतिहास लो, राजनीतिक विज्ञान पसंद है राजनीतिक विज्ञान लो, अर्थशास्त्र पसंद है तो अर्थशास्त्र लो, जो तुम्हें पसंद है वो लेना है तुम्हें सेकंड नंबर पे, मतलब सेकंड वीक में तुम्हें वो पढ़ना है, क्लियर? अब देखो, हो गया हमारा 2 जून से 8 जून का प्लान पूरा, अब 9 जून से 15 जून तक अपना तीसरा हफ्ता चलेगा, 4 हफ्ते के अंदर सिलेबस कंप्लीट,
तीसरे हफ्ते में क्या करना है? तीसरे हफ्ते में देखो साइंस में यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 1 करनी है साइंस में, यूनिट 6 एंड यूनिट 1, क्लियर। मैथ्स में करना है तुम्हें यूनिट 6 एंड यूनिट 3, मैथ्स में गणित में यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 3, क्लियर। अब सोशल साइंस में वो पढ़ो जो तुम्हें तीसरे नंबर पे पसंद है। तीसरे नंबर पे राजनीतिक विज्ञान पसंद है तो राजनीतिक विज्ञान पढ़ो, अर्थशास्त्र पसंद है तो अर्थशास्त्र पढ़ो। तीसरे नंबर पे यहाँ पढ़ना है, समझ गए? एक सेकंड में तुम बता देती हूँ, पहले नंबर पे जो तुम्हें पसंद है वो यहाँ पढ़ो, दूसरे नंबर पे जो पसंद है वो यहाँ पढ़ो, तीसरे नंबर पे जो पसंद है वो यहाँ पढ़ो, क्लियर। अब देखो 16 जून से 22 जून तक क्या पढ़ोगे? 16 जून से 22 जून तक, अब तक तो तुमने देखा होगा तुम्हारी साइंस तो कंप्लीट हो गई। साइंस में यूनिट 6 थी, यूनिट 6 की 6 पढ़ दी भाई हमने, पढ़ दी यार, मजा आ गया, 6 यूनिट हो गई साइंस में। अब क्या करना है? अब जो ये हफ्ता बच रहा है ना, इसमें अपन चैप्टर्स जब पढ़ते हैं, कुछ चीज़ होती है जो हमें लगता है कि यार इसको एक बार बाद में देख लूंगा, यार एक बार देखनी पड़ेगी इसको फिर से, क्योंकि थोड़ी सी कम समझ में आई, इसको एक बार बाद में देख लूंगा, तो वो चीज़ कहाँ करनी तुम्हें? यहाँ पे जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, कुछ एक्स्ट्रा है, तुम्हें कुछ पता चला है कि यार इसमें चैप्टर में ये चीज़ छूट गई मेरी, तो एक्स्ट्रा कहाँ पढ़ोगे तुम? ये 16 जून से 22 जून के बीच में विज्ञान में सिलेबस पूरा हो चुका है तुम्हारा विज्ञान का, थोड़ा सा रेस लगानी है यार, दौड़ लगाओ हल्का सा अपने अंदर, देखो कि भाई मुझे दो हर दिन में मुझे दो साइंस के चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इस तरीके से अपने अंदर एक टू डू लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ दिन, मतलब कल जो तुम करने वाले हो उसकी लिस्ट आज बना के सो के भाई मैं साइंस का ये चैप्टर पूरा करूंगा, सामाजिक विज्ञान का ये करूंगा, गणित का ये करूंगा, मेरी लिस्ट तैयार है, कल बैठना है सुबह उठते ही पहले खोलना है अपनी लिस्ट और पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि दिन के टाइम में पढ़ो, रात के टाइम में क्या होता है हमारे घर वाले तो सो जाते हैं और फिर हमारे आते हैं सोनिया के मैसेजेस, सोनिया नेहा ऑनलाइन आती है रात को, या फिर लड़कियों के लड़के ऑनलाइन आते होंगे, तो अब रात को डिस्ट्रैक्ट होते हो यार, बात सही कह रही हूँ मैं। तो क्या करना है अब तुम्हें? दिन में पढ़ना है ताकि तुम्हारे घर वाले तुम पे नज़र रख सकें, तुम्हारे घर वाले तुम पे नज़र रखते हैं, ठीक है। तुम पढ़ रहे हो कमरे में, मम्मी आती है ना रूम खोल के एक बार देख के जाती है कि भाई क्या कर रहा है, समझ रहे हो? तो दिन में पढ़ो यार, मेरी बात तो यही मानो कि दिन में पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है, दिन में पढ़ो। रात को बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है यार, एक डिस्ट्रैक्शन भूख भी होती है, रात को भूख लगती है यार, तो फिर सोचते हैं कि यार फ्रिज में देखने जाते हैं कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं अपन, फिर सो जाते हैं कि यार सो ही जाते हैं, चलो भूख भी लग रही है, तो रात को मत पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो, बेस्ट यही है, समझ गए। एंड तुम्हें मैथ्स में क्या कंप्लीट करनी है? यूनिट नंबर फोर कंप्लीट करनी है मैथ्स में, और सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान में तुम्हें वो पढ़ना है जो तुम्हें चौथे नंबर पर पसंद है, चौथे नंबर मतलब जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वो पढ़ना है तुम्हें यहाँ, जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो पढ़ोगे लास्ट में, समझ गए, यहाँ लास्ट में पढ़ो, क्लियर। फोर्थ नंबर पे ये लो। अब भाई हमारा तो सिलेबस 22 तारीख को ही ख़त्म हो गया, अब अनुष्का दीदी ने तो कहा था कि हम 26 तक पढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे? अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, आ जाओ मेरे भाई बहनों, अब पढ़ेंगे इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी को जितना पढ़ सकते हैं दिन में 6 घंटे 7 घंटे इंग्लिश हिंदी पढ़नी है, समझ गए। स्टोरीज ही तो सुननी रहती है, ईयरफोन डालो स्टोरी सुनो, आराम से बैठो टीवी देखो स्टोरी सुनो, क्या कर रहा है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। और बाकी जो तुम्हारा राइटिंग सेक्शन है, नोटिस एडवर्टीजमेंट जो भी तुम्हारे आता है, एप्लीकेशन आती है, सब मैं कराऊंगी, डोंट वरी, नंबर पूरे आएंगे राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। वो मैंने चैनल थोड़ा लेट शुरू करा, अदरवाइज आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होता, कोई बात नहीं, पर हम अभी भी पढ़ेंगे, तो राइटिंग सेक्शन मेरे ऊपर छोड़ो, बाकी तुम प्रिपेयर करो। राइटिंग सेक्शन ऐसा पढ़ाऊंगी ना यार, और तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी दिखाऊंगी ना, तो टीचर जो तुम्हारा कॉपी चेक करेगा वो ये कहेगा आहा यार क्या कॉपी आई है, मज़ा आ गया यार, समझ रहे हो, फीलिंग आ रही है, ऐसी कॉपी बताऊंगी ना। मैंने तो शायद एक पेज बना के भी देखा था, एक सेकंड में तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं शायद मैंने बनाई थी इस टाइप की कॉपीज, बताऊंगी मैं तुम्हें कि कैसे लिखो ऐसा ऐसा सब, एकदम मस्त मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। एंड देखो नेक्स्ट क्या करना है बता दिया मैंने तुम्हें, 23 तारीख से 26 जून तक क्या करना है तुम्हें, इंग्लिश और हिंदी पढ़नी है, समझ गए। और 27 से 30 तक क्या करेंगे हम? 27 से 30 तक मौज थोड़ी ना करनी है भाई, पार्टी बहुत हो गई, अब क्या करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करो बेटा। अगर तुम्हारे पास, मेरी बात सुनो मेरे छोटे भाई बहनों, अगर तुम्हारे पास सैम्पल पेपर नहीं है तो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, प्रीवियस ईयर नहीं है तो मैं प्रोवाइड करूंगी, कुछ भी हो तुम मुझसे शेयर करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं तुम्हें बिल्कुल हेल्प करूंगी, समझ रहे हो। अब सुनो, सैम्पल पेपर करो, प्रीवियस ईयर करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए हैं उनको देख जाना, अगर मुझ पे थोड़ा सा भरोसा हो तो प्लीज़ देख जाना, क्या पता तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, समझ रहे हो, तो प्लीज़ देख जाना एक बार मेरी बात मानते हुए,
मुझे अगर कुछ मानते हो तो, नहीं मानते हो तो फिर डजंट मैटर. क्लियर हो गया? सैंपल पेपर अगर नहीं मिल रहे हैं तो मुझसे बोलो, मैं प्रोवाइड करूंगी. प्रीवियस ईयर मैं प्रोवाइड करूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर दूंगी. एवरीथिंग आई विल गिव यू, जो तुम्हें चाहिए सब दूंगी, जो भी स्टडी मटेरियल, वट एवर यू वॉन्ट आई विल डेफिनेटली गिव यू. ओके, सो तुम मुझे बता सकते हो वट यू वॉन्ट. ठीक है, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए? तुम्हें टेस्ट देने, टेस्ट लो, भरपूर मज़ा आ जाएगा यार, पढ़ने वाली फीलिंग लाओ. मैं तो तुम्हारी लाइव क्लासेस भी लेती, बट अभी चैनल नया नया है तो यूट्यूब अलाउ नहीं करता, उतने कोई सब्सक्राइबर्स भी नहीं है. ठीक है, तो बता दिया मैंने तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है. अगर मम्मी पापा कुछ भी बोल रहे हैं तो बोल दो यार मम्मी, ऐसी मतलब अंदर ऐसी आग लगाओ यार जो घर वाले देख के बोले कि यार ये कौन है, ये कब से पढ़ने लग गया इतना यार. ऐसे पढ़ना है, आ गई फीलिंग कैसे पढ़ना है. और जो भी डाउट हो शेयर विद मी, कुछ भी हो बेटा तुम्हें, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करो, अपनी बड़ी बहन मान के शेयर कर सकते हो. ठीक है, और बाकी मैंने तुम्हें बता दी है स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल की वीडियो भी आ जाएगी कि किस तरह किस टाइम पे तुम्हें पढ़ना है. तुम तो अपने हिसाब से देख लो यार, दो दो घंटे हर सब्जेक्ट ले लो, दो घंटे विज्ञान पढ़ो, दो घंटे मैथ्स पढ़ो, सॉरी गणित पढ़ो, एंड दो घंटे सामाजिक विज्ञान, मैथ्स और जो भी तुम्हारा सोशल साइंस साइंस व्हाटएवर. क्लियर, तो 6 घंटे पढ़ने लग जाओ यार. ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, 50 मिनट पढ़े 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट पढ़े 10 मिनट का ब्रेक, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो, समझ रहे हो. डू यू नो वन थिंग, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद डालो रोज, थोड़े थोड़े इनपुट्स दो, इनपुट्स दो, इनपुट्स दो. तुम जानते हो जो सबसे बोटा माइंड होता है, बोटा माइंड मतलब बोटा माइंड ही समझो यार, समझ गए होगे तुम बोटा मेरा बोलने का मतलब. जो सबसे बोटा माइंड होता है ना यार, वो भी अगर मेहनत करता है तो लास्ट में जीत जाता है यार. ठीक है, मेहनत करने वाला चाहे कोई भी हो, उसको उसका रिजल्ट जो होता है वो ज़रूर मिलता है. मेहनत करने वाला भी 95 ला सकता है, चाहे वो बोटा माइंड ही क्यों ना हो. समझ गए, क्लियर है सब कुछ यार. ठीक है, और आई नो एवरीथिंग कि अपने राजस्थान के मम्मी पापा कैसे होते हैं. ठीक है, तो मेरे को पता है तुम्हारे ऊपर क्या बीतरी होगी, क्या यार अभी तो पता ही नहीं चल रहा है एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, यार हमें बहुत डर लग रहा है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आई एम विद यू कि नहीं होने चाहिए, बट स्टिल अगर ले रही हैं बोर्ड्स एग्जाम तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ले रही होंगी, तो तुम लोग दो. क्लियर, समझ में आ गया अब तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है. पहले तो क्या करो, सबसे पहले तो ये बना लो, तुम कैलेंडर लगा के चिपकाओ, इसको एक नोटबुक पे लिखो, डेली टारगेट्स बनाओ कि भाई मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, मेरे को अनुष्का जी ने बता दिया यूनिट 2 पढ़नी है, यूनिट 2 में जितने चैप्टर्स हैं लिखो, देखो कि मैं एक हफ्ते में एक दिन में क्या क्या पढ़ सकता हूँ, कितने कितने चैप्टर्स पढ़ सकता हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है यार. अगर मेहनत कर ली ना तो कुछ ज़्यादा नहीं है, जो मार्क्स आएंगे ना उस दिन तुम्हारी मार्कशीट पे, तुम्हें पता है वो गिल्ट जब तुमसे कम पढ़ने वाला आगे निकल जाता है, दर्द होगा उस दिन तुम्हें सच में, यहाँ दिल में दुखेगा तुम्हारे, यहाँ यहाँ नहीं यहाँ खड्डा सा होगा और तुम रोओगे यार, बोलोगे यार क्या कर लिया यार, कहाँ पढ़ रहा था मैं, किसके पीछे पढ़ रहा था. ट्रस्ट मी गाइज, अगर तुमने तुम्हारी कभी लाइफ में अच्छी जॉब लग गई तो जिन लोगों के पीछे आज तुम भाग रहे हो ना, कल वो तुम्हारे तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे कॉल बैक का. तुम उनके कॉल्स नहीं उठाओगे, तुम इतने बिजी होंगे अपनी लाइफ में, समझ रहे हो. तो अपने गोल्स पे ध्यान दो, अपनी लाइफ के जो एम्स है ना उन पे ध्यान दो, लोग बाग अपने आप तुम्हारे पीछे, जो आज तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो कल को तुमसे बोलेंगे वाह यार क्या काम किया है तूने, समझ रहे हो. जो लोग आज तुमसे दूर भाग रहे हैं वो लोग ही कल तुमसे आके बोलेंगे कि यार क्या काम किया है यार तूने, वेल डन यार, वेरी गुड. ठीक है, हर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कुछ कर दिखाने की, अगर तुमने हिम्मत करी है तो उसको पूरा करो, बुजदिलों की तरह बैठ मत जाओ, समझ गए. टाइम है, पढ़ सकते हो यार, पढ़ सकते हो, धीरे धीरे पढ़ो यार, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो. अब ऐसा नहीं कि यार तुम एकदम से ही बिल्कुल यार आज तो अनुष्का दीदी ने बोला है 8 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, कम पढ़ो, 2 घंटे से शुरू करो, 1 घंटे से शुरू करो, पहली बार बैठ रहे हो आधा घंटा बैठो, धीरे धीरे टाइम निकालो. अब क्या करना है, अगर तुमने लगता है कि यार मेरे को 20 मिनट पढ़ते ही मुझे लगता है कि यार अब उठ जाना चाहिए, तो क्या करो, फ़ोन के अंदर टाइमर सेट करो, क्लॉक वाला जो ऑप्शन आता है जैसा आप अलार्म सेट करते हो, वहीं नीचे टाइमर का भी आता है, टाइमर में डालो 2 घंटे और उसको स्टार्ट कर दो, उसमें उल्टी गिनती शुरू होती है, तो तुम्हें देखना उसमें कि यार अभी तक तो 10 मिनट ही हुए और अभी से तू यार उठना चाह रहा है या नहीं, तो जब बैठना पड़ेगा तो 2 घंटे बाद ही उठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए या उठेगी. टाइमर सेट करो, फोन्स के जो है ना यार कुछ मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं, फ़ोन को कैसे अच्छे से यूज़ करो, तो उसमें से एक ये है. और यार तुम्हें किसी भी चीज़ से डाउट हो, किसी भी चीज़ में मुझसे पूछो, कुछ भी चाहिए हो मुझसे बोलो, मैं तुम्हें दूंगी. ओके, सो अब तो विदा लेनी पड़ेगी. अच्छा लगा आप लोगों सबसे बात करके, तो आज
सो बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस एंड ऑल द बेस्ट. अपनी प्रिपरेशन अच्छी करो. ओके सो बाय एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस.